लाल कुआं की गौला नदी के पानी में बहे करोड़ों रुपए, तटबंधों की गुणवत्ता एवं निर्माण में हुए सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बाध्य होगी और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि बीते मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला नदी के पास पहुंचकर किनारे बसाए गए करोड़ों रुपए के क्षतिग्रस्त तटबंधों का निरीक्षण करते हुए मौके पर ही जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं तहसील परिसर में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा तटबंधों का निर्माण सिर्फ कागजी कार्रवाई है, जिसे दिखाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर गोला नदी में तटबंध बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पानी ने भाजपा सरकार के बनाए गए तटबंधों की आड़ में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। बरसात आते ही नदी का पानी बढ़ा और नदी के किनारे बढ़ाए गए करोड़ों रुपए के तटबंध कई स्थानों से टूट गए, इसके साथ ही बह भी गए, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। सिंचाई विभाग और वन विभाग द्वारा तटबंधों के पैसे में जमकर बंदरबांट की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द टूटे तटबंधों को बनाया जाए, तटबंध निर्माण कार्य के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े की जांच की जाए। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार करके हजारों लोगों की जान माल को खतरे में डालने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए तथा प्रभाव से कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बाध्य होगी और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। और सरकार के द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं उनको कब तक होगी? हम तो आज यहाँ पर जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर जो एक ज्ञापन का देने का कार्यक्रम तहसीलदार महोदय द्वारा के द्वारा राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हमने मांग की है कि अविलंब जिस भी विभाग द्वारा काम किया गया है, उस विभाग सिंचाई विभाग हो चाहे वन विभाग हो, उनके इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और जो पैसा है 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है इसकी जो है क्षतिपूर्ति उन लोगों से की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और कांग्रेस अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है आगे की रणनीति बनाकर इसमें कोई ना कोई जो है आंदोलन करने के बारे में विचार करेंगे।